हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिप्टो टाइगर क्लब। यहाँ क्रिप्टो टाइगर क्लब आपको एनएफटी गेमिंग और क्रिप्टो करेंसी के मुताबिक अपडेट फ्राम करता रहता है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ कमाल का प्लेटफॉर्म जो फ्यूचर में आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ऐसा प्लेटफॉर्म लाऊँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी और आपने इसके मुकम्मल ही डाउट कर लेना है। तो आज मैं आपके लिए जो प्लेटफॉर्म लाया हूँ उसका नाम है प्लास्टोबॉट। ये जो है सोलाना ब्लॉकचेन पर बनाया गया है। प्लास्टोबॉट इसका मतलब क्या है, यानी प्लास्टिक खाने वाला बोट। आप देख सकते हैं प्लास्टिक ईटर बोट, यानी जितनी भी प्लास्टिक की बोतलें होंगी उसको तलब करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। यानी माहौलियाती निज़ाम और कम्यूनिटी को तरक्की की तरफ मरकूज करना है, इसका मकसद ये है इस प्रोजेक्ट का। और जितने भी प्लास्टिक की बोतलें उनको तलफ करना है। तो इसके आप देख सकते हैं होम पेज पे सर्कुलर इकोनॉमी है, इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट है, एनएफटी ग्रेडिंग एंड यूटिलिटी। आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। ब्रांड इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन सी हैं और रोड मैप में कौन कौन सी चीज़ें ऐड की गई हैं और फ्यूचर में कौन सी चीज़ इसमें मज़ीद ऐड की जाएगी। तो पहले चलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ द सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक की बोतलों को यानी तलब करके किस तरह इकोनॉमी को सर्कुलर किया जाता है इस चीज़ के बारे में बताया गया। आप देख सकते हैं प्लास्टिक बॉटल है, इसमें आप देख सकते हैं ये इस्तेमाल करके कंज्यूमर के पास जाते हैं, फिर कंज्यूमर से कलेक्टर, कलेक्टर से फिर रिसाइकल होकर बॉटल बन जाती है। इस तरह इकोनॉमी सर्कुलर में रहती है, इस चीज़ के बारे में बताया गया। इसमें आप देख सकते हैं प्लास्टोबॉट एनएफटी कंट्रीब्यूशन एज अ कलेक्टर प्रोड्यूसिंग 30 प्लास्टिक RVM, यानी RVM एक मशीन है, रिवर्स वेंडिंग मशीन, यानी उसको तलब करती है यह जो मशीन है RVM। इस चीज़ के बारे में बताया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं प्लास्टिक पे RVM, यानी जितने भी आप प्लास्टिक की बोतलें होंगी आप इसको देंगे तो या इसके बदले में आप कैश ले सकते हैं, इस चीज़ के बारे में है। इसमें आप देख सकते हैं सॉल्ट टोकन है, डॉलर में दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स प्लास्टोबॉट एनएफटी कंट्रीब्यूशन एज अ रिसाइकल के तौर पर बताया जाए। आप देख सकते हैं प्लास्टिक बॉटल है, फिर प्लास्टिक बॉटल से प्लास्टिक फाइबर में है, फिर नेक्स्ट उसमें जो है कॉटन फेल्ट से अपसाइकल प्रोडक्ट्स तैयार हो जाती हैं। इसमें आप देख सकते हैं इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है। सस्टेनेबल इम्पैक्ट, यानी इसको सस्टेनेबल किस तरह रखा जाए इस चीज़ के बारे में बताया गया। इसमें आप देख सकते हैं रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, यानी इसको किस तरह रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। इसमें आप देख सकते हैं 500 ml की बॉटल जो है इसमें देख सकते हैं 82.8 ग्राम है, और इसमें 600 ml की जो बॉटल है इसमें 99.4 ग्राम की है। इसमें आप देख सकते हैं प्लास्टिक कलेक्शन लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है। पब्लिक बिहेवियरल चेंज विद प्लास्टिक पे RVM के बारे में बताया गया है। कन्वर्टेबल पॉइंट रिवार्ड, किस तरह आप इसे कन्वर्ट करके यानी इससे आप रिवार्ड हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, यहाँ से फ्रेंड्स आप प्री राउट कर सकते हैं। अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी फ्राम की गई है। इन्वेस्टमेंट करके आप अर्न कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पब्लिक सेल है, वाइट लिस्ट और OG। अगर बात की जाए मेन प्राइस की, आप देख सकते हैं यहाँ पे दी गई है पब्लिक सेल में, वाइट लिस्ट में और OG में डिफरेंट इसमें मेन प्राइस शो की गई है। एयर ड्रॉप एनएफटी पीरियड आप देख सकते हैं सेम रखा गया है, एयर ड्रॉप फ्रीक्वेंसी भी सेम है। एयर ड्रॉप पीरियड की बात की जाए तो 3 मंथ का तीनों में रखा गया सेम है। टोटल एयर ड्रॉप बताया गया है और इसमें रोल आप देख सकते हैं। हाउ टू माइंट, आप किस तरह माइंट कर सकते हैं जिसके बारे में आप रीड आउट कर सकते हैं। अगर बात की जाए NFT ग्रेडिंग एंड यूटिलिटी को, यानी इसको किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ कॉमन सप्लाई है और कुछ जो है रेयर सप्लाई है। कॉमन की जो है बहुत बड़ी तादाद में है और रेयर जो है यानी नायाब किस्म की जो सप्लाई है वो बहुत ही महदूद है, लिमिटेड है। आप चेक कर सकते हैं कॉमन की सप्लाई जो है 6000 सप्लाई है, इसमें आप देख सकते हैं। और रेयर के जो है 3000 सप्लाई रखी गई है और लेजेंडरी की जो है 990 यानी 990 इसमें है। इसमें आप देख सकते हैं एयर ड्रॉप है, एविडेंस इंपैक्ट है, वेलकम पैक, इसी तरह यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की गई। आप यहाँ से फ्रेंड रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं प्लास्टोबॉट ब्रांड इस्टेब्लिशमेंट, अपसाइकल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है और लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स यानी महदूद किस्म के एडिशन प्रोडक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं नीचे वाइन बैग जो है मेड फ्रॉम 3 प्लास्टिक बॉटल,
तीन प्लास्टिक बॉटल से वाइन बैग तैयार किया गया है, और पाउच की बात की जाए तो 8 प्लास्टिक बॉटल से ये तैयार किया गया है पाउच। इसी तरह लैपटॉप का कवर जो है ये 6 प्लास्टिक बॉटल से मेड किया गया है। इसी तरह यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। अगर बात की जाए ओवर रोड मैप में आप देख सकते हैं कि इन दिस NFT मिंटिंग जो है मार्च 2023 में होगी। कंटिन्यू टू शिफ्ट पीपल बिहेवियर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड इंक्रीज प्लास्टोबोर्ड्स इको ब्रांड अवेयरनेस होगा। किस तरह अवेयरनेस करेंगे कि किस तरह प्लास्टिक की बोतलों को तल्फ किया जाए और इसे अर्न किया जाए, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। उसके बाद देख सकते हैं एयर ड्रॉप के बारे में सितंबर 2023 में होगा। ऐड की जाएगी द प्लास्टिक और VM स्पॉन्सरशिप फंड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा। इस चीज़ में यहाँ से इंफॉर्मेशन सारी दी गई है फ्रेंड्स, यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। अगर बात की जाए डाउनलोड आवर वाइट पेपर, अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लें वाइट पेपर को। यहाँ से आपको इसके मुतालिक प्रोजेक्ट के मुतालिक मजीद इंफॉर्मेशन मिल सकती है फ्रेंड्स। अगर बात की जाए प्लास्टिक पे RVM मशीन, आप देख सकते हैं यानी आपने इस मशीन को प्लास्टिक की बोतल देनी है और इसके बदले आप कैश ले सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, अगर कोई भी आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहां पे देख सकते हैं व्हाट इज़ प्लास्टोबोर्ड, प्लास्टोबोर्ड क्या है, तो आप देख सकते हैं प्लास्टोबोर्ड यानी प्लास्टिक ईटर बोर्ड यानी प्लास्टिक की बोतलों को खाने वाला यानी तल्फ करने वाला। इस ये जो है सोलाना ब्लॉकचेन पर बनाया गया है और कम्युनिटी को तरक्की की तरफ मरकूज करना है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। अगर बात की जाए व्हाट इज़ प्लास्टिक पे यानी प्लास्टिक पे क्या है, तो आप देख सकते हैं प्लास्टिक पे स्पोर्ट्स कंज्यूमर प्लास्टिक कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग पार्टनर हैं ये दोनों, प्लास्टिक पे और प्लास्टोबोट NFT ये दोनों पार्टनर हैं। इनका काम क्या है कि रिसाइकलिंग करना है, ये इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। 30 प्लास्टिक कलेक्शन मशीन प्रोवाइड करना और इस चीज़ के बारे में NFT होल्डर्स को एयर ड्रॉप देना। हाउ टू गेट वैलेट और OG स्पॉट, आप वैलेट किस तरह हासिल कर सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। टू गेट वैलेट हासिल करने के लिए बहुत आसान तरीका दिया गया है, आप यहां से चैनल के जरिए आप रीड आउट कर सकते हैं। एक बात की जाए व्हाट इज प्लास्टिक कलेक्शन मशीन की, तो आप देख सकते हैं इट इज मशीन विच प्रोवाइड फैसिलिटीज टू एक्सचेंज प्लास्टिक बॉटल, यानी यह सहूलत देती है कि प्लास्टिक की बोतलों को किस तरह तल्फ किया जाए। पॉइंट फॉर एवरी प्लास्टिक बॉटल कलेक्टर, किस तरह कलेक्ट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी सप्लाई जो है 10,000 NFT रखी गई है, टोटल सप्लाई जो है इसकी 10,000 NFT है प्लास्टोबोर्ड की। द हाउ मच प्लास्टोबोर्ड एंड मिंटिंग प्राइस कॉस्ट, इसकी आप देख सकते हैं, यू कैन चेक द मिंटिंग प्राइस जो है इसकी आप अपॉर्चुनिटी सेक्शन में चेक कर सकते हैं। इसी तरह व्हाट ब्लॉकचेन, ये किस ब्लॉकचेन पर बनाया गया, तो ये जो है सोलाना ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट बनाया गया है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये इसके सोशल मीडिया दिए गए हैं, ट्विटर है और डिस्कॉर्ड है, आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट मिलते हैं